नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 13/9/2021 को AIMIM सुल्तानपुर यूनिट में बहन साफिया राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जो नगर अध्यक्ष इजहारुल हसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पे 188 विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट अक्रम बेग, महासचिव सिबली इरफान, यूथ अध्यक्ष सुल्तान, नदीम जिला सचिव कौसर भाई, जैद खान, सलमान ब्लॉक अध्यक्ष महराज भाई, नगर उपाध्यक्ष इरशाद खान, नगर महासचिव कलीम भाई, नगर सचिव मुर्शीद अहमद, सरफराज अहमद जिला अध्यक्ष आदि तमाम पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। राबिया सैफी जो दिल्ली पुलिस में थी, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, बलात्कार किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने सुख किया है। हम लोग सरकार से मुतालबा करते हैं इंसाफ किया जाए। फांसी से नीचे कोई मसला ही नहीं है। अगर निर्भया के लिए जो है फांसी हो सकती है, प्रियंका रेड्डी के लिए शूट आउट हो सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, तो साफिया सैफी के लिए भी हो सकता है, होना चाहिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि साफिया सैफी के साथ में जो भी घटना घटी है, उसकी हम बहुत निंदा करते हुए जो है सरकार से निर्माण करते हैं। जिस तरह से इनका ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को देखते हुए ये जो है राबिया सैफी के साथ इंसाफ करें और इनके हत्यारों को तुरंत फांसी दिया जाए और इनके घर वालों को एक आदमी को कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए और इनको जो है कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा इनके घर वालों को मिलना चाहिए। हम यही सरकार से मांग करते हैं। बस आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि निर्भया कांड जो हुआ था उसमें मीडिया ने कितना कई महीने तक उसको चलाया था। क्या वजह है कि जो है राबिया सैफी के साथ या अभी कानपुर की घटना हुई उसके साथ क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? पहलू खान, अकबर खान की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए तो ये बातें हो रही हैं। उसी के प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये बात रखनी चाहिए। निर्भया के 2 महीने तक मीडिया ने दिखाया लेकिन कोई मीडिया वाला वहाँ तक नहीं पहुँचा कि राबिया सैफी की बात को भी रखता। क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों की जा रही, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या आप इसमें कुछ चाहते हैं कि कानून में कुछ संशोधन किया जाए? कानून में बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। माइनॉरिटी के लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। कानून तो बना है, दूसरे लोगों के साथ इन्हीं के कंपेयर में देखिए तो हो रहा है मामला, खाली मुस्लिम के साथ पार्शियलिटी की जा रही ना। कानपुर की घटना है, चाहे राबिया सैफी की हो गई, चाहे पहलू खान का हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है? वही दूसरे बिरादरी के लोग रहते हैं तो उनके साथ इंसाफ किया जाता है, हमारे साथ ना इंसाफी क्यों की जा रही है? रोना इस बात का है हमें। धन्यवाद।